सुरक्षा चूक के मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। इस मामले में सरकार अब तक तीन बड़ी कार्रवाई कर चुकी है। संसद सचिवालय के 8 सुरक्षा कर्मियों को सस्पेंड किया जा चुका है। गृह मंत्रालय ने इस मामले में उच्च स्तरीय यानी हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया है। ये जांच कमेटी लोकसभा सचिवालय की सिफारिश पर गठित की गई है और इस पूरे मामले को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने आतंकवाद विरोधी धाराओं के तहत दर्ज कर लिया है। तो संसद सचिवालय से जुड़े 8 सुरक्षा कर्मी भी सस्पेंड किए गए हैं। ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से ये सब कुछ सामने आया था। इसको लेकर हाई लेवल मीटिंग भी हुई और इस पूरे मामले को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने आतंकवाद विरोधी धाराओं के तहत दर्ज किया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां संसद की सुरक्षा चूक मामला यूएपीए में केस दर्ज है। गृह मंत्रालय ने बनाई है इसके लिए हाई लेवल कमेटी। संसद की सुरक्षा में चूक पर इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज बड़ी खबर। लोकसभा में कल हुई सुरक्षा चूक के मामले में इस वक्त अपडेट आपको कर रहे हैं बड़ी खबर। इस मामले में सरकार अब तक तीन बड़ी कार्रवाई कर चुकी है, जहां संसद सचिवालय के 8 सुरक्षा कर्मियों को सस्पेंड किया गया है और गृह मंत्रालय ने इस मामले में उच्च स्तरीय कमेटी का भी गठन कर दिया है और यह जांच कमेटी लोकसभा सचिवालय की सिफारिश पर गठित की गई है। आइए जरा आपको हम दिखाते हैं, ये फेसबुक पोस्ट है जो आपको यहां पर हम अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लिखकर इस पर पढ़कर हम बता दें क्या लिखा हुआ है, देखिए जरा। वैसे लिखना अपने आप में कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है अगर उसकी पहुंच बहुत ही सीमित हो, परंतु तमाम तरह के फेसबुक पोस्ट हैं। ये अगली पोस्ट है उसी की, सागर शर्मा का, धर्म के नाम पर लूट का चरित्र। नीचे आप देख पा रहे हैं सागर गौतम निडर, और फिर से ये फोटो इसमें ट्वीट किया गया था, फेसबुक पोस्ट के जरिए डाला गया था। ये बहुत पहले 2021 में, उसके बाद से अक्टूबर का था वो, ये 15 फरवरी का है और इसमें सब कुछ लिखा गया। और ये 3 नवंबर 2021 को ये पोस्ट डाला गया था। इसमें बकायदा 5 लोगों को टैग भी किया था इस शख्स ने, सागर शर्मा ने, और ये आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और इसमें मेंशन है। ये तमाम तरह के उसमें अपडेट्स हैं। ये शहीद भगत सिंह की तस्वीर है उनके पिता के साथ, और इसमें लिखा है इस शख्स ने, वैसे लिखना अपने आप में कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, इसके अलावा अपनी बातों को उसने रखा है, लेकिन ये पूरा पोस्ट आपको हम दिखा रहे हैं क्योंकि एक पोस्ट नहीं है, इस तरह के कई पोस्ट हैं। अब ये कड़ियां जुड़ रही हैं, अब इसको लेकर जांच की बात हो रही है। अब इसमें आपको बता दें जो भी ये कुछ प्रकरण हुआ है, 8 लोगों को अब तक निलंबित किया जा चुका है। गृह मंत्रालय ने इस मामले में उच्च स्तरीय कमेटी का गठन भी कर दिया है और ये जो आरोपी है ललित झा, उसका व्हाट्सएप मैसेज बताया जा रहा है। मीडिया कवरेज देखिए इसको और वीडियो डालिए किस तरह से क्या लिखा हुआ। आरोपी है ललित झा, इसका व्हाट्सएप मैसेज है और वीडियो सेफ रखना आप, इसमें लिखा हुआ है। मीडिया कवरेज देखिए, 6 किरदार हैं इसमें, ठीक है ललित जी, नीचे लिखा हुआ है जवाब में, और जय हिंद भी लिखा जाता है साथ में, देखिए जरा ये। तो आरोपी ललित झा का ये व्हाट्सएप मैसेज, कुल कितने किरदार, इसी को खंगालने की कोशिश। और ये 6 किरदार अब तक तो सामने आए हुए हैं जिनकी चर्चा है, ये देखिए जरा लाल घेरे में बकायदा आपको तस्वीर के साथ हम दिखा रहे हैं। ये देखिए आप किस तरह से भारी सुरक्षा चूक और इसी मामले में ये सब कुछ सामने आया है। लेकिन संसद की सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। संसद भवन की सुरक्षा में हुई चूक मामले में छठे आरोपी ललित झा के बारे में अब तक जो जानकारी सामने आ रही है वो उसके एक एसोसिएट या मित्र या जो भी कहिए, जानकारी जिससे मिल रही है वो नीलाक्ष आइच, जो कोलकाता का है और जिसे संसद भवन की सुरक्षा में जो चूक का वीडियो था वो कल 1 से 2 बजे के बीच भेजा गया था ललित झा की ओर से, और ललित झा ने फोन नहीं किया था, उसे व्हाट्सएप भेजा था। और उसी के बाद जब नीलाक्ष से बातचीत हुई तो नीलाक्ष ने बताया कि उसकी मुलाकात ललित झा से एक एनजीओ कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई थी कोलकाता में, और उसी के बाद उसके संपर्क में आया। और ये जो नीलाक्ष आइच है ये एक स्टूडेंट है, कॉलेज का छात्र है, और इसका एक एनजीओ है जिसमें जनरल सेक्रेटरी के तौर पर उस मुलाकात के बाद ललित झा को शामिल किया गया था। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि ललित झा ने उससे कहा था कि उसका ग्रामीण बंगाल में बहुत ज़्यादा प्रभाव है, वो दूर दूर तक जाता है, ख़ासतौर पर पुरुलिया और झाड़ग्राम जैसे जो बैकवर्ड इलाके हैं वहाँ पर वो काम करता है, तो ऐसे में फिजिकली नीलाक्ष आइच वहाँ नहीं। सीधा आप सभी को ले चलेंगे राज्यसभा, जोरदार हंगामा हो रहा है, नजर आ रहा है। सरपंच नहीं सहेंगे ऑनरेबल मेंबर्स,
दी ओनली लूजर फॉर नॉट कंटिन्यूइंग विद क्वेश्चन आवर इज द अपोजिशन. द गवर्नमेंट रिस्पॉन्स हैज ऑलरेडी कम. इट इज एब्सोल्यूट डिसरिगार्ड ऑफ पब्लिक ड्यूटी एंड कॉन्डक्ट एंड रेस्पेक्ट फॉर द पब्लिक. द हाउस विल मीट एट 2 PM टूडे. तो चलिए, डेरेक ओब्रायन सस्पेंड हो चुके हैं टीएमसी सांसद और राज्यसभा में जोरदार हंगामा चल रहा है. जो पीछे आप हमारे ये देख रहे हैं व्हाट्सएप मैसेजेस किस तरह से कड़ियों को जोड़ा जा रहा है. ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की क्या है? ब्रेकिंग न्यूज ये है कि टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन राज्यसभा से सस्पेंड किए जा चुके हैं. बड़ी खबर ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज. टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया है और ये आप देख रहे हैं कि अभी थोड़ी देर पहले आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे थे. जोरदार हंगामा हो रहा था और संसद भवन के बाहर से. जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ. जितेंद्र, किस तरह से ये साजिश और कैसे कड़ियां जुड़ रही हैं, क्या खुलासा हो रहा है अब तक, कुल कितने गिरफ्त में हैं, कितने लोग अभी पकड़े जाने हैं, ये किस तरह से अभी पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है? देखिए आशुतोष, इस पूरे मामले को लेकर के दिल्ली पुलिस गहनता से जांच कर रही है. सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर उन्होंने UAPA के तहत पूरा मामला दर्ज किया है. अभी तक जो है 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. जो मुख्य मास्टरमाइंड है ललित झा, उसकी तलाश दिल्ली पुलिस की तरफ से किया जा रहा है. जहां तक संसद की बात करें तो संसद के अंदर भी कई एक्शन इस वक्त हुए हैं. कल से अगर देखा जाए तो संसद में सुरक्षा के चूक के मामले में 8 लोगों को, जो संसद की सिक्योरिटी से जुड़े हुए लोग हैं, उनको सस्पेंड किया गया है. तो वहीं दूसरी तरफ एक कमेटी बनाई गई है CRPF DG की अध्यक्षता में और वो कमेटी अपनी रिपोर्ट जल्द से जल्द देगी कि संसद की सुरक्षा को और कैसे चाक चौबंद किया जाए. तीसरी सबसे बड़ी खबर ये है कि संसद की सुरक्षा को लेकर के यहां पर दिल्ली पुलिस के कई अधिकारी संसद भवन के अंदर इस वक्त पहुंचे हुए हैं. वो पार्लियामेंट सिक्योरिटी से जुड़े हुए जो दूसरे अधिकारी हैं उनके साथ इस वक्त बैठक कर रहे हैं. इसके साथ ही आपको बता दें कि जो सीनियर अधिकारी हैं, इसके अलावा जो मुख्यमंत्री हैं, साथ ही जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, वो तमाम लोगों के लिए अब ये निर्धारित किया गया है कि वो शार्दूल द्वार और गरुण द्वार के जरिए ही अंदर एंट्री करेंगे. संसद भवन के अंदर विजिटर्स को लेकर के भी कई कड़े नियम किए गए हैं और उस पर भी काफी तब्दीली की जा रही है कि विजिटर्स अगर पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा के अंदर बैठते हैं तो वहां पर जो बैरिकेडिंग शीशे की लगाई जाएगी और वहां से वो नीचे कूद नहीं सकते. तो इस तरीके के कड़े कदम बढ़ाए जा रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस अंदर तक जाकर के आप हमारे साथ जुड़े रहिए, फौरन आपका रुख करेंगे. लेकिन जो किरदार सामने आ रहे हैं, जो 6 किरदार हैं, मुख्य साजिशकर्ता आरोपी जिनकी सघन तलाशी भी इनकी चल रही है और पूछताछ चल रही है, लेकिन क्या ये किरदार हैं, जरा नजर डालिए. ये 6 चेहरे, इन पर नजर डालिए, इनके डिटेल्स आपको लेकर. सबसे पहले सागर शर्मा लखनऊ. और देखिए जरा, लोकसभा विजिटर्स गैलरी से ये कूद गया, ई रिक्शा चलाता था ये, गौर करने वाली बात है. लेकिन किस तरह से ये, कहां से इसको क्या भरा गया, कहां से ये जुड़ा हुआ है और इसके पीछे क्या तार है, ये सब कुछ खंगालने की कोशिश चल रही है. जूते से निकालकर कलर स्प्रे किया सागर शर्मा ने, पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया, ये आपको डिटेल्स दे रहे हैं. अब अगला दूसरा जो किरदार है मनोरंजन, इसका नाम है मैसूर इंजीनियर बताया जा रहा है. लोकसभा विजिटर्स गैलरी से ये भी कूदा, किस तरह से आपस में जुड़े, ये बहुत सघन जांच की बात है. अब देखिए जरा, जूते से कलर स्प्रे निकाल नहीं पाया ये, तभी इसको पुलिस ने पकड़ लिया. सांसदों ने फौरन इसको दबोच लिया था. ये जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, एरो मार्क करके लाल घेरे में, ये आप देख पा रहे हैं. पुलिस ने इसको बाद में गिरफ्तार किया. संसद के बाहर नारी प्रदर्शन, कौन? नीलम, जिनकी रहने वाली बेरोजगार है. और संसद के अंदर देश दुनिया में किस तरह का ध्यान आकर्षण करने का ये केंद्र था, या फिर क्या इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं, विदेशी तार तो नहीं जुड़े, इसी की कड़ियों को खंगालने की पूरी कोशिश कर रही हैं एजेंसियां और पुलिस. 6 किरदार हैं, अब जरा चौथे किरदार पर नजर डालिए. अमोल शिंदे लातूर बारास बेरोजगार, ये भी है. संसद के बाहर नारे प्रदर्शन ये भी करता रहा लगातार और फिर आखिरकार ये पुलिस की गिरफ्त में. कलर पटाखा स्प्रे इसने किया, लातूर का रहने वाला महाराष्ट्र अमोल शिंदे. लेकिन आपने गौर किया, देश के अलग अलग हिस्सों से ये सारे हैं, किस तरह से आपस में मिले होंगे, किस तरह से मीटिंग होगी. विक्की शर्मा अगला गुरुग्राम का रहने वाला. अब देखिए आखिरी प्लानिंग वहीं से की गई थी, संसद भवन से बहुत दूरी नहीं है गुरुग्राम की. पुलिस ने इसको हिरासत में लिया है. अब इन सबसे पूछताछ की जा रही है कि क्या है इनका मकसद.
ललित झा कोलकाता एनजीओ से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। देखिए कहने को एनजीओ से, लेकिन देश के संसद पर इस तरह से अगर अटैक या फिर साजिश होता है तो यह बहुत बड़ा, यूएपीए के तहत मामला दर्ज हो चुका है। दूर से वीडियो ये बनाता रहा, यानी एक एक जानकारी जुटाता रहा, अपने दोस्तों अपने जो करीबियों को ये सब कुछ बताता रहा। उसी के पास आरोपियों ने और पुलिस तलाश रही है, लेकिन अब तक ये फरार है। लगातार पुलिस दबिश डाल रही है, हालांकि बचेगा बहुत दिन तक नहीं, क्योंकि लगातार तमाम टीमों को इसमें लगाया गया। इसी बीच लगातार ब्रेकिंग न्यूज पर बने हुए हैं, बड़ी खबर आ रही है वो आप सभी तक पहुंचा दें, क्योंकि ये हाई लेवल अब कमेटी गठित की गई है और इसको लेकर हंगामा भी देखने को मिल रहा है। तो संसद की सुरक्षा चूक मामले में बड़ा फैसला सामने आ रहा है। जी हां, जो जानकारी मिल रही है, हंगामे के बाद राज्यसभा स्थगित तो कर दी गई है, सिर्फ शार्दुल और गरुड़ द्वार से ही एंट्री कर पाएंगे मुख्यमंत्री। शार्दुल और गरुड़ द्वार से एंट्री, और आपको बता दें बड़े अधिकारियों की एंट्री भी सिर्फ गरुड़ से ही, शार्दुल से ही होगी, यानी दो ही गेट इसी से एंट्री होगी। संसद की सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला लिया गया है, बाकी सारे गेट बंद रहेंगे, सिर्फ दो गेट इस्तेमाल होगा मुख्यमंत्रियों के लिए, वीवीआईपीस के लिए, बड़े अधिकारियों के लिए, शार्दुल और गरुड़। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चंडीगढ़ से भी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, समर्थ भी हमें नजर आ रहे हैं, हिमांशु मिश्रा स्पेशल सेल दफ्तर से जुड़े हुए हैं, संसद भवन परिसर से जितेंद्र बहादुर सिंह जुड़े हुए हैं, और साथ ही कमलजीत संधु चंडीगढ़ से। सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं हिमांशु मिश्रा का। हिमांशु, क्या कुछ कह रही है स्पेशल सेल, क्या जानकारी मिल पा रही है, कुछ अगर सूत्र बता पा रहे हो तो, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से ये सभी आरोपी हैं। जी देखिए, बिल्कुल, सबसे पहले तो स्पेशल सेल कोशिश कर रही है ललित को पकड़ने की, क्योंकि लगातार ललित की मूवमेंट पर स्पेशल सेल की टीम की नजर है। जब वो पार्लियामेंट से निकला, जब उसने चारों मोबाइल अपने पास रखे, उसके बाद वो व्हाट्सएप करता हुआ जब वो वहां से निकला, और ललित के बारे में जब तक पुलिस को पता लगा, क्योंकि जब बाहर जो दोनों नीलम और अमोल को बाहर से पकड़ा गया, और उसके बाद जब अंदर हुआ, जब अंदर इस तरीके से हंगामा हुआ और उनको पकड़ा गया, और चारों को जब अलग अलग पूछताछ की गई, तब उनको ललित के बारे में पता लगा, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज की जांच हुई, और उसके बाद से पुलिस लगातार ललित को तलाश रही है। निमराना में काफी करीब पुलिस ललित के पास पहुंच गई थी, लेकिन ललित पुलिस के गिरफ्त से अभी तक बाहर है, लगातार वो चकमा दे रहा है और आगे भागता जा रहा है। और दूसरी तरफ अब ये पुलिस पता लगा रही है कि जो डेढ़ साल की जो सोशल मीडिया खंगालने से जो जानकारी मिली है कि डेढ़ साल से ये लोग आपस में संपर्क में हैं, सिग्नल ऐप के जरिए एक दूसरे से बात करते थे, लेकिन वो कौन है जो महाराष्ट्र के रहने वाले, कर्नाटक के रहने वाले, उत्तर प्रदेश के रहने वाले, हरियाणा के रहने वाले और पश्चिम बंगाल के रहने वाले ललित को आपस में जोड़ता था, उस क्या ऐसा कोई शख्स है जो पर्दे के पीछे छिपा